नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में SSC GD का स्कोर कार्ड कैसे निकालें वो बताने वाले हैं। अगर आप लोग SSC GD का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग को कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अपने शिफ्ट का। तो आज हम लोग सभी देखने वाले हैं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आप खुद से भी निकाल सकते हो कि आपका रॉ मार्क से कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। तो अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है एक बार जरूर जो है चेक कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से आंसर की वाला प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपना रोल नंबर डालेंगे, और रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों उसके बाद इसमें नीचे पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपका पासवर्ड हो। वो पासवर्ड डालने के बाद अब आपका आंसर की जो है वो खोलने के लिए तैयार है। जब तक प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए लिंक खुल गया है, अब यहाँ से अपना PDF डाउनलोड करते हैं। इसको बंद करके उसके बाद यहाँ से PDF खोल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब आपका PDF जो है आ गया है, देख लीजिए। अपना जो है नाम रोल नंबर सभी मिला लीजिए। यहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो अपने आंसर की का। और PDF प्राप्त करने के बाद यहाँ से दोस्तों अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में एक क्लिक करेंगे, और उस क्लिक करने के बाद वहाँ से एक कॉपी का ऑप्शन आएगा। चलिए ऊपर क्लिक किए, और देखिए यहाँ पे क्लिक किए और नीचे एक कॉपी का ऑप्शन आएगा। दोस्तों अपने मोबाइल का डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसेस जो है यहाँ पर आपको लिखना है SSC GD रैंक IQ SSC GD लिखिएगा, आ जाएगा सबसे ऊपर में ही। तो इस पर क्लिक कर देना है। आपका रैंक SSC GD का सबसे पहला लिंक जो है ऊपर में ही आ गया है, तो इस पर क्लिक कर देंगे SSC GD पर लाभ पे। चलिए लिंक भी खुल गया है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में जो है रिस्पॉन्सल URL लिखा हुआ है, तो इस पर अपना URL जो कॉपी किए हैं वहाँ से आंसर की बात यहाँ पेस्ट कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, तो आप जो भी कैटेगरी से है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम OBC है तो OBC यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से मेल फीमेल जो है वो अपना, चलिए यहाँ से हम लोग फीमेल चेक कर रहे हैं तो फीमेल डाल दीजिए। इसके बाद आप लोग किस स्टेट से है तो अपना स्टेट यहाँ से डाल लीजिए। जो भी बिहार से बिहार डालिए, जो असम से असम डालिए, जो आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश डालिए। इसके बाद आप यहां से जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डालिए, जो जनरल से है जनरल डालिए। तो चलिए यहां से हम लोग जनरल डाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेट ए पासवर्ड, यहाँ से आप लोग कोई भी एक पासवर्ड ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4 पासवर्ड यहाँ से ले लिए। अब हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। पूरा लिंक तैयार है, अब यहां से सबमिट आप लोग कर दीजिए। दोस्तों सबमिट करते ही आपका आपका जो है स्कोर कार्ड खुल जाएगा। आपका कितना स्कोर है, कितना नेगेटिव किए हैं, वो सभी यहां पे आपको दर्शाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए यहां पे आप कितना अटैम्प्ट किए थे, तो 28 अटैम्प्ट किए थे, तो सारे आ गया है। और कितना निगेटिव किए हैं, 6 निगेटिव किए हैं। अटैम्प्ट राइट जो है 22 है, 6 नेगेटिव है, और टोटल मार्क्स 44 आ रहा था, उसमें से 3 नेगेटिव करके आपका जो स्कोर आ रहा है वो 41 आ रहा है। मतलब आपका टोटल जो आप बनाए हैं वो सभी यहां से चेक कर सकते हैं। आपको निकालने की जो कोई ज़रूरत नहीं, एक बार क्लिक कीजिए और आपका सारा डाटा यहाँ से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से चेक योर रैंक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से अब आपका सारा डाटा जो है आ गया है। आपका रैंक कितना है, कितना स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए थे, वो सारा डाटा यहां से आपको मिल जाएगा। देखिए टोटल जो आपका रैंक है वो 90,154 आ रहा है, मतलब टोटल रैंक आपका 90,154 आ रहा है, जबकि एग्ज़ाम दिए थे 5,867 एग्ज़ाम दिए थे। यहां पे देखिए आपका रैंक जो बता रहा है यहां पे 90,154 आ रहा है। अभी इस शिफ्ट का जो है वो उतना खास स्टूडेंट चेक नहीं किए, इसीलिए शिफ्ट बाय शिफ्ट आपका स्कोर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे सारा आपका डिटेल आ गया है कि किस तारीख को किस टाइम आप एग्ज़ाम दिए थे। आपका रो मार्क 41 है, मतलब नॉर्मलाइजेशन आपके शिफ्ट का नहीं हो रहा है, तो ये दिखा रहा है 41 का 41 ही रह गया है। तो आप सभी चीज़ यहाँ से देख सकते हो।
दोस्तों अपना आंसर की जो लिंक कॉपी किए थे उसको कहीं एक पेस्ट करके रख लीजिएगा, दो दिन के बाद मिलाइएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि दो दिन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मिला लेंगे तो उसके बाद और अच्छा रहेगा। मतलब आपके शिफ्ट का भी स्टूडेंट जो है मिला लेगा तो आपका कितना एक्चुअली स्कोर आ रहा है, कितना नॉमिनेशन हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो अभी तो सिर्फ जो है कुछ ही स्टूडेंट चेक किए हैं तो इसीलिए कुछ का नॉमिनेशन नहीं बढ़ा है। अगर आप भी एग्जाम दिए हैं तो एक बार नॉमिनेशन इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी जल्द लाने वाले हैं।